मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य की नदी जोड़ो परियोजना पर विस्तार से चर्चा की। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य कैन बेतवा लिंक परियोजनाओं और अन्य नदी जोड़ो परियोजनाओं पर केंद्र सरकार के समर्थन को सुनिश्चित करना था। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देते हुए कैन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 1150 करोड़ रुपए की राशि शीघ्र जारी करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री यादव ने केंद्रीय मंत्री पाटिल को जानकारी दी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहे हैं, जो न केवल भारत में बल्कि विश्व में एक अनूठी परियोजना है। मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि इस परियोजना से बुंदेलखंड के 10 जिलों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा मिलेगी, जिससे इस क्षेत्र का समग्र विकास होगा। उन्होंने कहा, बुंदेलखंड कभी भी अपनी संप्रभुता को दिल्ली सल्तनत या मुगल शासकों के अधीन नहीं किया, लेकिन पानी की कमी के कारण यह क्षेत्र पिछड़ गया है। कैन बेतवा परियोजना इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करेगी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री यादव ने पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना पर भी चर्चा की, जो राजस्थान राज्य के साथ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 70,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश न केवल समीपवर्ती राज्यों के साथ नदियों को जोड़ने पर विचार कर रहा है, बल्कि अंतर्राज्यीय नदियों को जोड़ने की भी योजना बना रहा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि कान्ह और गंभीर नदियों को जोड़ने का प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री पाटिल ने सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है, जो राज्य की जल समस्याओं को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रदेश में 21 में से 17 योजनाएं पहले ही पूरी कर लेने की जानकारी भी दी। यह स्पष्ट करता है कि मध्य प्रदेश जल संसाधनों के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और राज्य की कृषि और जल संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।